नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इसीलिए कन्या पूजन में रखा जाता है कन्याओं की उम्र का ध्यान। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष नवरात्र के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन हिंदू घरों में कन्या पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन 10 वर्ष से कम उम्र की 9 कन्याओं को घर पर आमंत्रित कर भोजन कराने की प्रथा है। मान्यता के अनुसार कन्या पूजन के दिन कन्या और बटुक की पूजा करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। शास्त्रों में आयु के अनुसार कन्या पूजन के महत्व को भी विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इस दिन आयु के अनुसार कन्याओं को भोग लगाने से भक्तों को विशेष लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन में क्या है कन्याओं के आयु का महत्व। कन्या पूजन तिथि, शास्त्रों के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। 2 वर्ष से छोटी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे स्वाद का पता नहीं होता है। इसीलिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। तो 2 वर्ष की कन्या, 2 वर्ष की छोटी कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता और कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस आयु की कन्या को कुमारी कहा जाता है। 3 वर्ष, 3 वर्ष की आयु की कन्या का पूजन करने से घर परिवार में शांति आती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। 4 वर्ष, 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। ऐसा करने से उसे विद्या, बुद्धि और राजसुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 4 वर्ष की कन्या को देवी कल्याणी का स्वरूप माना जाता है। 5 वर्ष, शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के महापर्व में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति को गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी के रूप में जाना जाता है। 6 वर्ष, नवरात्र में 6 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, साथ ही अपार शक्ति की प्राप्ति भी होती है। 6 वर्ष की कन्या कालिका के रूप में जानी जाती है। 7 वर्ष, नवरात्र के महापर्व में 7 वर्ष की कन्या की उपासना करने तथा उन्हें भोग लगाने से धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका के रूप में पूजा जाता है। 8 वर्ष, 8 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से कोर्ट कचहरी के मामले जल्दी सुलझ जाते हैं और आपसी विवाद में भी मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार 8 साल की कन्या को देवी सांभवी का स्वरूप माना जाता है। 9 वर्ष, माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि महापर्व में अष्टमी तथा अष्टमी या फिर नवमी तिथि को 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से कष्ट और दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या को भोजन कराने से परलोक की भी प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या स्वयं देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। 10 वर्ष, 10 वर्ष की कन्या का पूजन करने से सभी बिगड़े काम सफल हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन्हें माता सुभद्रा का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखे। साथ ही इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।